आज सुबह की शुरुआत में ये तो हमने आपको बताया और दिखाया ही कि कैसे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री अभिषेक कुमार के सपोर्ट में आ गई है। लेकिन चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसे सितारे ईशा मालविया और समर्थ जुरेल पर भड़क रहे हैं। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री के स्टार्स ईशा और समर्थ पर बुरे तरीके से भड़के हैं। इन सितारों में सबसे पहला नाम उडारिया एक्टर अंकित गुप्ता का है। अंकित ने ईशा मालविया के लगातार अभिषेक को पोकिंग करने पर, अभिषेक के क्लॉस्ट्रोफोबिया का मजाक उड़ाने पर क्या कहा, चलिए आपको ये बताते हैं। अंकित ने कहा कि इसकी असली पर्सनालिटी तो अब सामने आ रही है, ईशा मालविया कितनी बड़ी झूठी है, ये अभिषेक के क्लॉस्ट्रोफोबिया के बारे में जानती है, स्टे स्ट्रॉन्ग अभिषेक। तो वहीं प्रिंस नरूला भी अभिषेक के सपोर्ट में आए। प्रिंस ने अभिषेक के लिए अपना कंसर्न दिखाया और रितेश देशमुख के ट्वीट को रीट्वीट किया। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी भी ईशा और समर्थ पर भड़की। काम्या ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेंटल कुत्ता, दो कौड़ी का, चल निकल निकल, नकली कुमार, अपने बाप का मेंटल लौंडा, अगर मैंने ये सब सुना होता तो मैं क्या करती, मुझे नहीं पता, इतनी गंदगी, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलके एक्स बॉयफ्रेंड की वीकनेस को यूज करते हैं, उसको पोक करते हैं, ये है इनकी गेम, सिक टू द कोर। तो वहीं बिग बॉस सीजन 17 की ही कंटेस्टेंट रह चुकी ऐश्वर्या शर्मा ने ईशा और समर्थ के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि ये दोनों घटियापन की हद तक जा रहे हैं, डर्टीएस्ट गेम खेल रहे हैं, ये किसी इंसान को ऐसे कैसे पोक कर सकते हैं, और कोई इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है, अभिषेक को ही हर बार लताड़ लगाई जाती है हर चीज के लिए, ये रेडिक्यूलस है, बिग बॉस प्लीज टेक सम एक्शन। इसके अलावा स्प्लिट्स विला कंटेस्टेंट रह चुके आशीष ठाकुर ने भी समर्थ और ईशा के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि ये दोनों तो शेम ऑन यू कहलाने लायक भी नहीं रहे। गाइस, मैंने अभी भी बिग बॉस का एपिसोड देखा एंड इतनी रात को मुझे वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि आज जो अभिषेक के साथ हुआ है वो बहुत मायनों में बहुत लेवल्स पे गलत हुआ है। जो उसको पोकिंग करी जा रही है बैक टू बैक इतने हफ्तों से, एंड उसके बाद में आज जो ये चीज़ हुई है वो बहुत 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 ज़्यादा गलत हुई है। एंड मुझे इतना बोलना है कि मतलब ईशा को मैं, ईशा चिंटू को मैं शेम ऑन यू भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उस लेवल पे भी नहीं रह गए हैं। मैं ऑनेस्टली उनके लेवल पे जाना नहीं चाहता हूँ, और मैं ईशा और चिंटू के लेवल पे जाके उनको गंदी बातें नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो जो चीज़ उन्होंने आज करी है ना, अगर ये लोग बाहर होते ना तो मैं पता नहीं क्या कर जाता इनके साथ में, क्योंकि क्लॉस्ट्रोफोबिया जो उसका है ना, वो उसके सब दोस्तों को पता है, ईशा को भी पता है, चिंटू को भी पता है कि उसको कितना क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उसके सारे फ्रेंड्स को पता है। माधव उसका दोस्त है, मेरा दोस्त है, वो 17वें फ्लोर पे रहता था, 17th फ्लोर वो सीढ़ियों से जाता था उसे मिलने के लिए, जब उसे मिलने जाता था वो एक फ्लोर भी लिफ्ट से नहीं चढ़ सकता, एक फ्लोर भी, वो है क्लॉस्ट्रोफोबिक, ये बात हम सबको पता है। इस वजह से उसके साथ में ऐसा हुआ जो कि ईशा और चिंटू को भी पता थे, और किसी की मेडिकल जब चीज़ ऐसी होती है ना, फोबिया होता है तो, और पता होता है, उसके बाद भी ये चीज़ करनी जानबूझ के कि ये तो ऐसे ही करता है, ये बहुत ज़्यादा लेवल पे गलत है गाइस। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, अभिषेक स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हम सब लोग तेरे साथ हैं, डोंट वरी। ईशा समर्थ, जिस तरीके का बर्ताव आप दोनों कर रहे हैं ना, एक दूसरे के लिए आप दोनों ही रह जाएंगे बस, क्योंकि इंडस्ट्री में हमें नहीं लगता कि कोई और आपसे बात करना भी पसंद करेगा। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।